हेलो, गुड इवनिंग। पहले तो सबको बोलना चाहूँगा मैं, और जैसा कि आप जानते हो सब, कि हम हर फ्राइडे प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कभी गुड़गांव, और आज जैसे कि हम आए दिल्ली में, हमारा इंटरव्यू था आज। हमने 3 इंटरव्यू दिए आज जो कि प्रैक्टिस थे। तो हम पहले गए करोल बाग, वहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी खाली नहीं है। तो उसके बाद हमने जो है मोती नगर गए, वहाँ जाकर वहाँ गए तो वहाँ पर हमारे जो इंटरव्यूज़ हुए उनमें आज भी, जैसे कि हर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इस बार भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जिससे कि बहुत अच्छा लगता है और अपने आप को ग्रो भी कर रहे हैं इन सब चीज़ों से हम। बाकी जो आज मैंने सीखा वो ये था कि जो रिज्यूम होता है वो मतलब सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम जितने भी फ्रेंड थे सबका रिज्यूम सेम था, क्योंकि हमने जो सर ने हमारे रिज्यूम फॉर्मेट सेंड किया था ग्रुप में, हमने सब ने उसको कॉपी किया है, तो ये चीज़ उन लोगों को पता लग गई थी। तो ये चीज़ हमारे को करनी नहीं है दोबारा, सबको अलग अलग रिज्यूम बनाना अपना, और वही लिखना है जैसे कि जो जो आता हो, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना, क्योंकि उससे आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी अब जो हमारा तीसरा इंटरव्यू था, वो नाम नहीं ले सकता, वो यहाँ था सुभाष नगर, वहाँ पर आए, वहाँ पर भी बहुत सारा मैम ने, HR जो मैम थी उन्होंने समझाया कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि जो जिस कंपनी में हम गए थे वो UK और US से डील करती है। तो उन्होंने बोला सारे जो हमारी जो प्रोसेस होता है जो वो सारा कॉलिंग का होता है और सेलिंग का, कि टूर बेचना पड़ता है, बाकी टिकट बेचनी पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट नॉलेज है उसके कोड्स वगैरह, सिटी कोड्स, एयरपोर्ट कोड्स, उनको प्रिपेयर करो और होमवर्क करो, यूट्यूब पर वीडियोस देखा करो इंग्लिश से रिलेटेड, ताकि तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो सके। बाकी इस चीज़ पर काम करना है, और यहाँ पर फ्रेशर के लिए भी जो है इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन वो अक्टूबर में होंगे शायद। तो उन्होंने मैम ने हमारा रिज्यूम लिया है और हमसे बोला है कि अक्टूबर में अगर फ्रेशर्स के लिए होंगे तो हम आपको कॉल करेंगे, बता देंगे अगर जो हो। थैंक यू।